मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आंदोलनकारी किसानों पर पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मंदसौर व देवास सहित गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह तोड़फोड़ की और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अन्नदाताओं ने प्रदेश को फूका, किसानों की मौत से दहला मध्य प्रदेश, किसानों के आक्रोश से सदमे में सरकार। मंदसौर देवास में कई वाहनों को फूका, उज्जैन में 3 से अधिक पुलिसकर्मी घायल, सोनकच्छ में 20 से अधिक वाहनों को फूका। मंदसौर में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर स्वतंत्र सिंह के साथ धक्का मुक्की की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें और उनके साथ मौजूद अन्य अधिकारियों को वहां से खदेड़ दिया। देवास के समीप सोनकच्छ और बागली में किसानों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए हाईवे से गुजर रही कई बसों और वाहनों में आग लगा दी। की हत्या के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेरे पीछे देवास शहर के नेवरी फाटा पर उग्र किसानों ने यहाँ पर जो है गाड़ियों को आग के हवाले किया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस प्रकार से नजारा है, नगर निगम की फायर ब्रिगेड और यहाँ पर इंदौर भोपाल हाईवे पर सारी गाड़ियों को जला दिया गया है। राम माल्या, दबंग न्यूज, देवास। इस तोड़फोड़ और आगजनी में एक चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां एक बस में यात्री बचाने की गुहार लगाते रहे और किसान बस में तोड़फोड़ करते रहे। इस दौरान बस से बच्चों के रोने की आवाज भी आ रही है। इंदौर और भोपाल के बीच में लगभग कुछ शेड्यूल 15 मिनट और आधे घंटे में चलते हैं, तो काफ़ी बसें चलती हैं। देवास ज़िले में सोनकच्छ के पास नेवरी फाटा है, वहाँ पर हमारी लगभग कुछ देर का जाम लगा और उसमें हमारी 4 गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हो गई। उस जाम में कई किसानों ने वहाँ पर काफ़ी हिंसक प्रदर्शन किया और हमारी बसेस को आग लगाने का, तोड़ने का प्रयत्न किया। जो हमारे बस में ड्राइवर कंडक्टर होते हैं उनसे लगातार बात होती रही थी और हमारी जो पहली प्रायोरिटी थी कि जो यात्री हैं उनको किसी भी प्रकार से सेफली निकाला जाए, और हमने फोकस उस पर किया और जो भी यात्री हैं उनको किसी तरीके से बस से निकाला। फिर उन्हें आसपास खेत में जहाँ पर भी जा सकते थे अपने आप को उन्होंने बचाया वहाँ पर, बट एट द सेम टाइम उन्होंने 4 बसेस को आग लगा दी है। और जो हमारी लगातार बात हो रही कंडक्टर ड्राइवर से कि 4 बसेस को आग लगाई है, अभी डिटेल्स और हम धीरे धीरे ले रहे हैं देवास कमिश्नर साहब से और देवास कलेक्टर साहब से और SP साहब से, इंदौर कलेक्टर सर की और एडिशनल कलेक्टर की, और मेरी खुद की बात भी हुई है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो भी लोग हैं उनको पूरी सहायता दी जाए और तत्काल वहाँ से निकाला। वहीं इंदौर चार्टर्ड बस में तोड़फोड़ के बाद यात्री काफी डरे हुए हैं और इसे लेकर इंदौर प्रशासन भी सख्त नजर आया। आंदोलन के चलते चार्टर्ड बसों को भी नहीं चलाने का निर्णय लिया गया है। थोड़ा देखेंगे कि ना, पिछले 2-3 घंटों में लगातार कई जगह पर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और हमारी जो प्रायोरिटी है वो है कि जो हमारे यात्री हैं वो सुरक्षित भी रहें, इसलिए कि एहतियातन तौर पर कुछ समय के लिए हमने जो हमारे इंटरसिटी ऑपरेशन है उसको होल्ड पे कर दिया है कि ये पता नहीं किया सकता है कहाँ पर कुछ घटना घटित हो सकती है, लेकिन चूँकि यात्री हैं तो उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये निर्णय लिया है कि अभी कुछ समय के लिए जब तक की स्थिति सामान्य ना हो जाए या ऐसा ना लगे कि नहीं घटना घटित नहीं हो सकती तब तक ऑपरेशन को होल्ड किया जाए। तो हमने कितने रूट पर होगा ये, कितनी बसें? नहीं, लगभग AICTC 18-19 रूट्स पर 75-80 बसेस चलाता है, तो उसमें हमने सभी बसेस को अभी हमारी लगभग 1 घंटे पहले तक सारी बसेस रोड पर थी, अब जहाँ पर जो हैं उनको वहीं से वापस किसी सेफ प्लेस पर पहुँचाया जा रहा है और ऑपरेशन को हमने अभी होल्ड पर कर दिया। और
से भोपाल चलने वाली चार्टर्ड बसों को सोनकच के पास आग लगाने की सूचना आई है, जिसके बाद AIRCTCL ने निर्णय लेते हुए अपनी बाकी बची हुई बसों को वापस इंदौर के लिए बुला लिया है। हमारे साथ कुछ यात्री यहाँ पर मौजूद है जो कि बस में सवार थे और बस से सोनकच से वापस यहाँ पर आए हैं। आप लोग कहाँ रवाना हुए थे बसों से? यहाँ हैदराबाद जा रहे थे, भोपाल से हमारे तत्काल के टिकट थे 5 बजे स्वर्ण जयंती में। जैसे पता चला वहाँ पे दंगे हो रहे हैं तो फिर बस पलटा के वापस फिर भोपाल इंदौर लेके आके छोड़ा हमारे। समय बताया भी नहीं कि हम इंदौर जा रहे हैं। बोल वहाँ का क्या माहौल था, आप लोगों ने वहाँ की बसें देखी? गंभीर था, ट्रैफिक पूरी जाम हुई हुई थी, सब गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई थी। वहाँ से कोई गाड़ी आने को तैयार नहीं, वहाँ से यहाँ से कोई गाड़ी जाने को तैयार नहीं थी। कुछ बसें भी देखी गई थी वहाँ पे, चार्टर्ड कारें दिखी हुई थी, कहाँ चीज फूटे हुए हैं। अभी अब यहाँ की स्थिति की बात करें तो आपका जो किराया वो वापस कर दिया गया? यहाँ बस के फेर तो वापस दिए गए। लगातार जो है किसान आंदोलन जो है वो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी फैलता जा रहा है, जिसे लेकर के अब सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। लगातार जो AIRCTCL की बसें हैं वो जो हैं अब इंदौर बस डिपो वापस आना शुरू हो गई है, और इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों का जो बसों का संचालन है उसे भी फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब देखना यह है कि जो AIRCTCL है वो अपनी बसों का संचालन तो करता है, लेकिन जो यात्री वहाँ पर 4 बसों के सोनकच में फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किस प्रकार से किया जाता है। कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ अंशुल मुकाती, दबंग न्यूज़, इंदौर। यहाँ नेवरी फाटे पर कई बसों में आग लगा दी गई, तो वहीं बागली में थाने को ही आग के हवाले कर दिया गया। वहीं 100 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हजारों की संख्या में किसानों ने सड़कों पर उतरकर जमकर उत्पात मचाया। उज्जैन में भी हालात ठीक नहीं है, यहाँ भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकान बंद करवाई, साथ ही कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की। वहीं बदनगर रोड पर चंदूखेड़ी के समीप किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प में थाना प्रभारी सहित 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये बनगर रोड पे चंदूखेड़ी एक जगह है जहाँ पर चटाजाम किया गया था। उस चटाजाम को शांतिपूर्वक खुलवाने के सारे प्रयास किए गए, उनका ज्ञापन वगैरह कर लिया गया, किंतु उसके बाद ही कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दी। पथराव में हमारे कुछ 7-8 पुलिस वाले को देते आई, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कर दिया। यहाँ पर भी स्थिति नियंत्रित है, जो भी अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी में कुछ ना कहीं आग जलने की भी स्थिति नहीं। अभी तक यहाँ उज्जैन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। विजयगंज मंडी जो देवास जिले में आती है वहाँ पर जरूर इस तरह की एक वाहन को लगाया गया है, और अभी वहाँ पर चलाया गया है, पुलिस वहाँ पर भी लगी हुई है और उसका काम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने किसान संगठनों के बंद के आह्वान को समर्थन दिया है। राजधानी भोपाल में आज कांग्रेस कार्यकर्ता बंद के दौरान कांग्रेस का झंडा लेकर सड़क पर उतरे और व्यापारियों से जबरन दुकानें बंद करवाई। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के आह्वान पर प्रदेश बंद यहाँ पर किया गया है, जिसको कांग्रेस ने भी पूरी तरह से समर्थन किया है। इस वक्त हम यहाँ मौजूद है भोपाल में 6 नंबर मार्केट के पास, जहाँ पर कांग्रेसी व्यापारियों से बंद दुकानें बंद करने का आह्वान कर रहे हैं, और जिन भी व्यापारियों के यहाँ पर दुकानें खुली है उन्हें कांग्रेसी जबरदस्ती यहाँ पर बंद कराया जा रहा है। यहाँ पर अभी हमारे साथ
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पीसी शर्मा यहां पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सर यहां पर आ रहा है किसान मजदूर संघ का जो आह्वान है उसको कांग्रेस समर्थन है। जिस तरह से 6 किसानों की हत्या हो गई है उसके विरोध में ये बंद हुआ है, हजारों किसान जेल के अंदर हैं और हजारों घायल हो गए हैं, इसके विरोध में है। यहाँ मांग है हमारी कि हाई कोर्ट जज से इसकी जांच हो और किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए, उनके बिजली का बिल माफ़ किया जाए। जिस तरह से यहाँ पर किसानों को यहाँ पर गोली लगी है जिससे किसानों की मौत हो गई है और उन्हीं से फिर न्याय की यहाँ पर मांग की जा रही है, तो लग रहा है आपको कि हाँ न्याय में ये मांग हमने गवर्नर से की है, गवर्नर मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे और न्याय दिलाए। तो साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि कांग्रेसी किसानों के बिल्कुल यहाँ पर साथ खड़े हुए हैं और जब तक कि किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती कांग्रेस का पूरी तरह से राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ को समर्थन रहेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र यादव के साथ देवेंद्र कुमार, दबंग न्यूज, भोपाल। वहीं आगर मालवा जिला भी पूरी तरह से बंद रहा, कई जगहों पर कांग्रेसियों और दुकानदारों के बीच बहस और झड़प भी देखने को मिली। मामले में दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित 5 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। दुकान पे हम बैठे हुए थे, शटर बंद थी, दूध गर्म हो रहा था हमारा, तो ये वहाँ पे ये लोग और आए और इन्होंने वहाँ पे हमारे से बोला कि आप ये दूध यहाँ गर्म मत करो। हमने कहा आप गर्म करके अंदर रख रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ धामा चालू कर दिया, मारपीट चालू कर दी। उन्होंने बाबूलाल यादव, पिंटू जायसवाल और अपने जो है हनुमान दास गुप्ता और एक ये अपने क्या नाम उसका नितेश पटेल। प्रभात झा ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। न्यायिक जाँच के बाद वे चेहरे सामने आ जाएंगे जो इसके पीछे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि भोले भाले किसानों को भड़काने का काम इस प्रदेश के विपक्ष में जो लोग हैं वो कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति लहू और लाश पर नहीं। वहीं विदिशा, गंज बासौदा और तथा सिरोंज में कलेक्टर और SDM को ज्ञापन सौंपकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज पूरा मध्य प्रदेश बंद है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरा मध्य प्रदेश बंद है। उसी के तहत सांकेतिक तौर पर हमने गंजबासा में बंद का आयोजन किया था जो 100% सफल रहा। हमारी मांग है कि जिन किसानों की दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवार को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। सीएम के क्षेत्र रेहटी, सहद, नसरुल्लागंज, बुधनी को भी बंद कराने में किसान सफल रहे। यहां भी किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकानें बंद करवाई। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस और बीजेपी के नेता बंद के विरोध में आमने सामने हो गए। हजीरा चौराहे की दुकानों को कांग्रेस ने जबरन बंद करवाया और उसके बाद सीएम का पुतला भी फूका। कांग्रेस पार्टी ने बंद का आह्वान किया था मंदसौर की घटना को लेकर, उनका बंद था मध्य प्रदेश बंद के दौरान, ग्वालियर बंद का आह्वान था। उस समय कांग्रेस ही शांतिपूर्ण ढंग से बंद करा रहे थे। उस समय कुछ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आ गए, उन्होंने इसके कुछ दुकान खुलवाने का प्रयास किया, उस पर से कुछ विवाद की स्थिति पैदा हुई थी, तो पुलिस मौके पर थी, पुलिस ने दोनों पक्षों को वहाँ से समझा के अलग अलग कर दिया। दाता के ऊपर उन्होंने गोली चलवाई, 6 किसानों की मौतें हुई हैं। इन मौतों के जिम्मेदार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका शासन प्रशासन है। हमने आज धरना, आंदोलन, प्रदर्शन और ग्वालियर बंद के आह्वान से मध्य प्रदेश के आम जनमानस से आह्वान किया है कि ऐसे मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं महू में कांग्रेसियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर शहर बंद करवाया और राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा।
वहीं रीवा में बंद मिला जुला असर देखने को मिला। यहां विभिन्न संगठनों ने शहर में घूमकर दुकानें बंद करवाई और मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। वहीं भोपाल, जबलपुर और मुरैना में भी कांग्रेस ने इसी तरह प्रदर्शन किया। वहीं राजगढ़ जिले के अधिकांश नगर बंद रहे। कई जगहों पर सड़क जाम और मुख्यमंत्री का पुतला दहन सहित किसानों ने काले झंडे लेकर मौन रैलियां भी निकाली। वहीं ब्यावरों में धारा 144 लगी होने के कारण बाजार में शांति नजर आई। बंद का असर ज्यादातर कुरावर, तलेन, नरसिंहगढ़, जीरापुर, पचोर में देखा गया। हरदा शहर में प्रताप टॉकी चौराहे से आम किसान यूनियन ने सीएम शिवराज सिंह की अर्थी पर सीएम का फोटो लगाकर शव यात्रा निकाली और जूते चप्पल भी साथ में रखे। यह यात्रा चंडक चौक घंटा घर से होते हुए मुक्ति धाम पर पहुंची, जहां सीएम का पुतला दहन किया गया। वहीं देपालपुर में आक्रोशित किसानों ने केले का ट्रक रोक कर पूरा माल सड़कों पर फेंक दिया। इससे क्षेत्र में जमकर अफरा तफरी मच गई। आगर मालवा में कांग्रेस को किसानों का साथ नहीं मिला और पूरे प्रतिष्ठान खुले रहे। इस दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कुछ दुकानदारों ने मारपीट और तोड़फोड़ का भी आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों के आंदोलन पर पुलिस की फायरिंग के बाद हालात बिगड़ गए हैं। इस घटनाक्रम को लेकर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार पर हमला बोलकर सीएम से इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं किसानों पर हुई फायरिंग के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन किया और गोलीकांड के दोषी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। सरकार इस आंदोलन से सदमे में है। सीएम शिवराज भी इस स्थिति से निपटने को लेकर कोई खास रणनीति फिलहाल नहीं बना पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज।